जब जब गिरे गोले पाकिस्तान शांति शांति बोले। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको चार तस्वीरें देखना जरूरी है। जब जब भारत ने सीमा पार से फायरिंग का करारा जवाब दिया है, पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह किया है, तब तब पाकिस्तान ने पहले भारत से रहम की भीख मांगी है, शांति की अपील की है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर अपनी पुरानी आदत पर लौट आया है। यानी पहले रहम की भीख मांगता है और फिर सीज फायर तोड़ता है। 20 मई को भारत ने पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के कई बंकर्स तबाह कर दिए, वीडियो भी आया, जिसके बाद 29 मई को पाकिस्तान ने भारत से शांति की अपील की, हॉटलाइन पर डीजीएमओ से बात की और 2003 के सीज फायर समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर सहमति जताई। लेकिन फिर 2 जून की रात को ही पाकिस्तान अपने असली रंग पर आ गया, अखनूर सेक्टर में फायरिंग की, जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए। एक बार फिर भारत ने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। 3 जून को भारत ने कई पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह कर दिया। हालांकि बीएसएफ इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान की जो दुस्साहस है उसका जवाब दिया है। इसका एक वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि 3 तारीख का ये वीडियो है। पहले आप इस वीडियो को देखें। गुड शॉट, ऊपर गया लेकिन एक और मार्क, गुड शॉट, हिट है हिट है हिट है, एक नीचे मार। बीमारी बता देना। ओके अब उन्हें निकाल। ओह वेल डन, गुड शॉट, गुड शॉट। वापस जेपो ने बताना है। गुड शॉट, ऊपर गया लेकिन एक और मार, गुड शॉट, हिट है हिट है हिट है, एक नीचे मार, हल्का नीचे और। गुड शॉट, वेल डन शॉट, लगा हिट, हिट है हिट है, लेकिन हल्का ऊपर गया, नीचे का हल्का सा नीचे, 5-2 मीटर नीचे, तोड़ के निकल जाएगा। आप बाहर आएगा सर, तो नीचे बाहर आएगा, उनको बोलो लगातार चला चालू कर। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत के 2 जवान शहीद हुए, जिसके बाद सिर्फ 77 सेकंड में पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। अब आपको बताते हैं कैसे भारत ने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया। बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई का वीडियो आया है। वीडियो में दिख रहा है भारत ने कैसे पाकिस्तान के बंकर उड़ाए। दरअसल पाकिस्तान बार बार शांति के वादे कर रहा है और साथ ही सीज फायर को तोड़ भी रहा है। 2-3 जून की रात को अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा, भारतीय पोस्ट और गांव को निशाना बनाकर फायरिंग की। पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रविवार की दोपहर भारत ने अपने 2 जवानों की शहादत का बदला ले लिया, पाकिस्तान के कई बंकर्स तबाह कर दिए। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 4 जून को यानी कि कल एक बार फिर शांति की अपील की, बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग की और एक बार फिर सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए वो राजी हुआ। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान अपने इस वादे पर कितनी देर तक कायम रहेगा। ये अपावले लगातार मारते रहा, उनको बोलो लगातार चला चालू कर। और जम्मू से इस वक्त राजू केनी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजू, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बौखला जाता है जब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बाज नहीं आ रहा अपनी हरकतों से। जी बिल्कुल सही, क्योंकि पाकिस्तान जब भी सीज फायर वायलेशन करता है भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, फिर पाकिस्तान जो है फ्लैग मीटिंग या कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके कहता है कि फायरिंग जो है बंद की जाए। तो कल भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जब ये रिक्वेस्ट आई तो शाम को 5:30 बजे जो मीटिंग हुई और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि भारत जो फायरिंग करता है वही जो आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला उसमें शुरू हुआ, वो हम जो है जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन बीएसएफ ने साफ कर दिया
कि अगर आपकी तरफ से एक भी गोली चली तो हमारी तरफ से 10 गोलियां चलेगी और हम जो है जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम इसका पूरा हक रखते हैं। उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ उस मीटिंग में कि रेगुलर कॉन्टैक्ट होते रहेंगे और अब अगला कॉन्टैक्ट जो है इनका जो है 21 जून को तय किया गया कि 21 जून को फिर जो है एक फ्लैग मीटिंग होगी जिसमें जो है इसको रिव्यू किया जाएगा। हालांकि लगता नहीं कि पाकिस्तान जो है उस पर कायम रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बीते शनिवार और रविवार को कार्रवाई की गई और शहरी ठिकानों को निशाना बनाया गया, लगभग 35 गांव जो थे उस गोलाबारी में जो है वो उस घेरे में आए, 15 के करीब 20 BSF की चौकियों को उसने निशाना बनाया। हालांकि जो वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया है उसमें साफ जो है दिखाई देता है कि पाकिस्तान की बंकर नहीं वो पाकिस्तान की चौकी थी जिसको जो है BSF के जवानों ने जो है उड़ा दिया था। दिन की वो फुटेज है और इसी इलाके का वो फुटेज है। हालांकि BSF ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन डिनाइल भी उनकी तरफ से ऐसा कोई नहीं आया है। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के खिलाफ, राजू क्या ये कहा जाए कि DGMO की जो बातचीत हुई है उसमें एक अल्टीमेटम पाकिस्तान को दिया गया है कि 22 जून तक पहले हम देखते हैं कि अगर आप सुधरते हैं या नहीं, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे शांति बनाए रखने पर? जी, क्योंकि BSF की जो थी सेक्टर कमांडर लेवल की मीटिंग थी जिसमें BSF के जम्मू फ्रंटियर में के जो DIG थे वो पार्टिसिपेट किए थे और BSF की पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर लेवल का जो है अधिकारी थे वो चिनाब रेंजर्स के जो थे वो आए थे उसमें उस मीटिंग में और लगभग 10 पाकिस्तानी जो है अधिकारी थे और 8 के करीब BSF के अधिकारी थे जिनमें आपस में ये बात हुई थी और उससे उन्होंने कहा था कि अगर आपकी तरफ से फायरिंग हुई, BSF ने उनको ये चेतावनी दी थी तो जो इतवार को हशर हुआ उससे ज़्यादा जो है कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ये एश्योरेंस दी गई कि फायरिंग फ्री एनवायरनमेंट जो है वो देने की कोशिश की जाए। तो इसके बाद जो है BSF अधिकारियों ने उनको कहा कि एनवायरनमेंट फायरिंग फ्री एनवायरनमेंट दो, उसके बाद जो है हम जो है रेगुलर कॉन्टैक्ट रखेंगे लेकिन ये 21 जून तक जो है ये कॉन्टैक्ट जो है ये अगर मेंटेन रहता है तो उसके बाद फिर ये रेगुलर कॉन्टैक्ट होंगे। यानी 21 जून तक एक तय सीमा जो है पाकिस्तानी रेंजर्स को ये दी गई है। 21 जून को फिर से रिव्यू किया जाएगा ये डिसीजन। शुक्रिया राजू तमाम जानकारी हमें। निकाल।